नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज गांव की। दरअसल गांव में कोरोना संक्रमण का हाल क्या है, गांव में ज़मीनी हकीकत क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो गांव का हाल जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं दुर्ग ज़िले के अछोटी गांव में। अछोटी गांव में हाल क्या है ये आपको पहले नज़ारा दिखाते हैं। जैसे कि हम शहर में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं वो गांव में उससे इतर दिखाई दे रहा है। यहाँ अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों में हैं और घर से बाहर वो तभी निकल रहे हैं जब बहुत ज़रूरी काम है। बाकी आप गांव की स्थिति आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के लोग कोरोना संक्रमण को लेकर के जागरूक नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी ये मिली है कि टीका को लेकर के थोड़े से जो है मन में दहशत है, भय का माहौल है। अब हम पहुँचे हैं पंचायत भवन में, जो कि अछोटी का पंचायत भवन है, और यहाँ इस वक्त जो जानकारी मिली है उस वो ये है कि टीकाकरण को लेकर के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, मितानिन हैं, उन्हें जानकारी दी जा रही है कि कैसे लोगों को जागरूक करना है। तो पंचायत भवन के अंदर जाकर के हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल अछोटी में माहौल क्या है और हाल क्या है। तो ये अछोटी का पंचायत भवन है जहाँ एक बैठक आयोजित की गई है टीकाकरण के संबंध में। तो फिलहाल जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभी आपके अछोटी में किस तरह का हाल है कोरोना को लेकर के, कैसे बचाव कर रहे हैं टीकाकरण को लेकर? जो प्रशासन बताएं उस हिसाब से बचाव कर रहे हैं। बीच में दो गज दूरी बना के मास्क लगा रहे हैं सब, जो शासन के निर्देश उसी हिसाब से पालन कर रहे हैं। और वैसा अपना गांव अभी उतना नहीं है, शांति है अपने गांव में। संक्रमण यहां पे नहीं फैलने दिया है आप लोग? नहीं नहीं नहीं, फैला नहीं है। जिसका है वो होम क्वारंटाइन में है। लॉकडाउन का अच्छे से पालन किए हैं? अपने गांव अच्छे से पालन हो रहा है। और टीकाकरण को लेकर क्या स्थिति है? टीकाकरण का वही है जो अफवाह चल रहा है उसी में पब्लिक को थोड़ा भय हो गया है, बाकी तो सब ठीक है। फिर भी अपने तरफ से जागरूक कर रहे हैं भाई, टीकाकरण का जो टीकाकरण जो है उसको आप लोग लगाओ। वैसा कुछ नहीं है, किसी बीमारी में अगर हो गया तो एक अफवाह है, बीमारी था इसलिए ऐसा हो गया वो, लेकिन लोग बाग क्या टीका लगाने के बाद ख़त्म हो गया, ऐसा अफवाह फैल गया पूरा, इसी में पब्लिक थोड़ा डर गए, और कोई बात नहीं। तो जैसा जानकारी दे रहे हैं, पंचायत के सचिव को ज़रा बुलवा लीजिए कि क्या कहना है उनका। और हम आपको ये बैठक कक्ष है जहाँ पर बैठक आयोजित की गई है, और यहाँ पर आंगनबाड़ी की जो सहायिका हैं, मितानिन हैं, वो हैं जिनको ये जानकारी दी गई है, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि गांव के लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा काम इनके ऊपर है। उनको समझाना टीकाकरण के बारे में, कोरोना के नियमों के बारे में, और खुद भी जो है संक्रमित से बच के भी रहना है इनको, क्योंकि फील्ड पे ये लोग काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे आपके गांव में क्या स्थिति है कोरोना संक्रमण से, लोग कितने बचे हुए हैं, क्या प्रॉपर गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? सब तो पालन कर रहे हैं, मगर किसी को डर भी है यहाँ कि वैक्सीन लगाने से सब तकलीफ में है, ऐसे करके बहुत से लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। बहुत दिक्कत होती होगी समझाने में लोगों को? दिक्कत तो हो रही है समझाने में, अब समझते भी हैं और डर भी है ना, अब क्या करूँ, अपना कोशिश है समझाने का, समझा रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग जब जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि टीका लगाना है, कोरोना से बचना है आप लोगों को? हाँ, बोलते तो हैं टीका लगवाओ ऐसे करके, और उन लोग भी बोलते हैं बुखार आता है तो थोड़ा डर लगता है ऐसा करके। हाँ, तो घबराने की बात नहीं है ऐसा, मतलब हम लोग भी कुछ देते हैं सिचुएशन, और यही सब बात है सर, थोड़ा गांव का है, थोड़ा डरते हैं ना लगवाने से कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे ऐसा करके। और क्या है, अभी थोड़ा ये भी नहीं हो रहा है जब तक वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल उस्पिटल में जाओ तो ये कोरोना टेस्ट कराओ तभी एडमिट लेंगे देखेंगे ऐसा करता है कहते हैं हॉस्पिटल वाले लोग, तो इसमें भी घबराते हैं, वहाँ हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ भी मतलब ये नहीं लेगा, भर्ती नहीं लेगा, इलाज नहीं होगा ऐसा करके, तो यही सब डर भावना रहता है। अच्छा,
आप बताती होंगी कि मैंने टीका लगवाया है, मैं सुरक्षित हूँ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। हाँ, डरे हुए हैं, बता चुकी हूँ कुछ नहीं होगा, लगा चुके हम दो इंजेक्शन, घबराने की कोई बात नहीं है लगाना करके, फिर भी उन लोग को यकीन नहीं है कि सुई लगाए से ज़्यादा मतलब बुखार उखार हो जाएगी तो हम लोग खतरा है, तो हॉस्पिटल जाबो तो कोई वहाँ देख रेख नहीं हो, ये नहीं हो, ऐसे हमको उन लोग को डर लग रहे हैं, इनका कारण लगाने से उन लोग घबरा रहे बहुत। तो लोग नहीं आ रहे हैं अभी वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे? हाँ, अभी तो नहीं लगाए हुए हैं, 18 साल वाले जो बोले हैं वो लोग अभी नहीं आए लगाने के लिए, तो उन लोग को डर हो गए हैं। तो ये देखिए कितने घबराए हुए हैं लोग, अभी क्या क्या जानकारी देते हैं जैसे जाते हैं आप मोहल्ले में लोगों के बीच? हैं कि टीका लगाना जरूरी है, अगर कोरोना को हराना है तो टीका लगाना जरूरी है और 2 गज का दूरी अपनाना है। तो कोरोना को जो है हराना है तो टीका लगाना है, लेकिन टीका लगाने के लिए लोग आ नहीं रहे हैं, और इस वक्त जो है पंचायत के सचिव हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। अभी आपके यहाँ क्या स्थिति है पंचायत में? अभी तो ठीक सर, ज़्यादा कोरोना पेशेंट नहीं है अभी, पहले जो पॉजिटिव निकले थे वो सब ठीक हो चुके हैं होम आइसोलेशन में। गाँव में संक्रमण ना फैले उस स्थिति को संभालने के लिए आप लोग कितने जो हैं तैयार हैं? वैसे शुरू से हम लोग मुनादी के माध्यम से घर घर जो घर घर जा करके डोर टू डोर जा करके पहले से लोगों को बता चुके हैं कि कभी भी ऐसा कोई केस मिलता है, कोरोना का एक केस भी निकलता है तो आप तुरंत हमको पंचायत को सूचना दो, है ना, अपने मोहल्ला के जो मितान को सूचना दो ताकि समय पर ही हम रोकथाम कर सकें और जो हमारे जो डॉक्टर साहब लोग हैं उनको हम सूचित कर सकें। और बैठक में क्या जानकारी, आज बैठक कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे मकसद? बैठक जो है कल एजीएम साहब निर्देश दिए हैं कि हर पंचायत में एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाएगी, तो वो आदेश आया है मोबाइल में, उसी सिलसिले में इन लोगों को हम लोग जो भी शासकीय अमला है पंचायत का उनको बुला कर बैठक ले रहे हैं ताकि कोरोना के रोकथाम के संबंध में और ख़ास करके जो वैक्सीनेशन को जो काम हो रहा है अभी 18 से 44 साल के लोगों का, उनमें हम और तेज़ी ला सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। पहले क्या है, टीका लगने के बाद बहुत से लोग जो है एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो लोगों में बहुत गलत धारणा हो चुकी है टीका को लेकर के, तो उनको भ्रांति को हमको दूर भी करना है, ये ज़्यादा जरूरी काम है, भ्रांति को दूर करना है और टीका लगाना ही हम सबके हित में है। बिल्कुल, तो टीका लगाना सबके हित में है, और हम आपको जो है छोटी का हाल दिखा रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ जो है सरपंच महोदय भी जुड़ गए हैं, हेमलाल साहू जी। सरपंच जी, ये बताइए कि आपके गांव में क्या है अभी टीकाकरण का हाल और कोरोना? वैसे हमारे यहाँ कोरोना का प्रभाव बहुत ही कम रहा, और जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे हमारे शास्त्र वेद में जैसे लिखते हैं कभी उनसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, तो जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो ये एक प्रकार से जो मतलब अभी जो चल रहा है वो जो हमने मनुष्य ने जो बोया है उसी को काट रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों हुआ, जंगल झड़ गए, गांव-गांव में आज मतलब लकड़ी का गाड़ी मतलब रोज ढोया जा रहा है, ऑक्सीजन की कम कहाँ गया, ऑक्सीजन क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, ये सब जो है हम मनुष्यों द्वारा ही पैदा किया हुआ चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, हमने प्रकृति को छेड़ा है, प्रकृति हमारे विनाश में लगा है, ये इनका मूल कोरोना का उद्देश्य है। और मास्क लगा रहे हैं कि नहीं आप, अभी लगाए नहीं? मैं मास्क लगाता हूँ लेकिन बहुत कम, क्योंकि मेरे को मानना है, मेरा विज्ञान कहता है कि मास्क जैसे लगाए रहोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वही फिर बाहर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, वही जा रहा है, तो फ़ायदा करेगा तो नुकसान? बाहर हैं, भीड़ भाड़ में, तब तो भीड़ भाड़ में निश्चित सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन घर में जब रहते हैं या मतलब, तो निश्चित बात है मैं मतलब उसका विरोध तो नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से निकलता है वही फिर से बाहर जा रहा है, तो उसका तो साइड इफेक्ट है, जैसे अभी ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस क्या है, ये ब्लैक फंगस जो आया है वो किसी दवाई का साइड इफेक्ट है। तो जो है जैसे बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं आपके पंचायत में या छोटे में क्या है? कई लोगों का यहाँ मतलब जांच हुआ, सिर्फ एक ही पॉजिटिव मिला,
इस प्रकार रख रखाव मेरे गांव में लगभग ठीक है। मैंने 3 बार मतलब इस गांव में मतलब वो क्या बोलते हैं सेंट्राइज कराया पूरे गांव को, और जहां जहां पॉजिटिव मिले उस घर को पूरा मैंने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया है कि मैं मोर गाँव ला सुरक्षित और जेल ला मैं धर्म कर्म से अपन देवी देवता मानता हूँ, चला रोज कथा हूँ लोका समझता सुखनो भवंतु, सबके लिए सुखी का मतलब मान। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि टीकाकरण को लेकर के बड़े जो है डरे हुए लोग, क्यों डर है ये खौफ क्यों है, आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं लोगों को? ये इसलिए मतलब भय लग गया है कि टीकाकरण से जैसे 100 आदमी को लगा उसमें 60 लोग बीमार पक्की हुए और कई लोग तो मरणासन स्थिति में पहुँच गए और कई लोग मर भी गए, क्योंकि वो मरे हैं उसमें कुछ लगवाने वाले की गलती है और कुछ लगाने वाले की गलती है, क्योंकि उसको नहीं बताया गया कि सर्दी खांसी आने पर उसको नहीं लगाया जाता, या 10 दिन आप घर से नहीं निकलिए, या उनका देख रेख का भाव जिस प्रकार गांव में जिस प्रकार जोर शोर से मतलब जिस प्रकार लगवाया गया उस प्रकार से शासन को उसके देख रेख भी करना चाहिए था, लगा दिए फेंक दिए, देखने नहीं आया कोई एक भी। मतलब जहाँ पे टीका लगा रहे हैं वहाँ पे लोगों को नहीं बताया जा रहा है क्या करना है कैसे है कि मतलब आपको कैसे टीका लगवाना है कैसे करना है, गए 10 आदमी हुए लगा दिए। तो अभी आपके यहाँ टीकाकरण बंद है? अभी टीकाकरण शायद 18 से 44 साल का चालू हुआ है, पंजीयन कराने का आदेश हुआ है और उसमें अब बूढ़ी और मुरमुंदा दोनों जगह, मुरमुंदा में हमारे जो 18 से 44 वाले कितने लोग लगवाए? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं 10-20 लोग लगाए होंगे। लोग जो है भयभीत हो चुके हैं क्योंकि मेरे गांव में जो मतलब टीका लगा था ना उसमें 60% लोग बीमार हो गए थे, 45 से ऊपर। हाँ बहुत ज़्यादा मतलब लोग गए लो। हाँ इसलिए डर गए हैं। ज़रूरत है अभी जागरूक करने की आप लोगों को? हाँ आवश्यकता है जागरूक करने का, क्योंकि ये जो डोज लगा ना बीच में जो आया वो डोज शायद लोगों का ऐसा मानना है यह डोज जो है रख रखाव या किसी न किसी कमी के कारण ही मतलब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे गांव में तो एक भी युवा क्षति नहीं हुआ संकेत बाबू, लेकिन मेरे आजू बाजू गांव में इतने युवा क्षति हुए हैं जिसका मैं कल्पना नहीं कर सकता। मुरमुंदा गांव, गोढ़ी गांव, ऐसे गाँव में मतलब मेरे गाँव में भगवान की कृपा कहो या ईश्वर की मतलब दुआ कहूँ कि मेरे गाँव में युवा हताहत नहीं हुए। जो भी ख़त्म भी हुए हैं उसमें एक लड़का भरे 45 साल का था, नहीं 55 साल का करीब, 45 नहीं 55 साल के था। बाकी मेरे गांव में जो मरने 75, 80, 85 जो मतलब बीमार थे या मरने लायक थे, 2-3 साल से खाट में थे या लकवा थे, ऐसे बीमार वाले लोग भले मर गए लेकिन इससे क्षति नहीं हुआ है। और मेरे गांव में कोरोना का मतलब जो प्रभाव है बहुत ही कम है। जो है एक युवा हमारे साथ साथी जुड़ गए, क्या करती हैं आप, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गायत्री ठाकुर है। क्या करती हैं आप? यहाँ पंचायत में ऑपरेटर हूँ। अच्छा आपने टीका लगवाया? जी नहीं सर अभी तक नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया आप टीका? वो क्या है ना कि मेरे को मेरा पर्सनल मैटर है, मेरे को प्रॉब्लम है तो फिर मैं नहीं लगा पाऊंगी। तो आप क्या मानती हैं टीका लगवाना चाहिए कि नहीं? लगवाना चाहिए सर, हाँ लगवाना चाहिए। और ऐसा है कि अभी बोल रहे हैं कि राशन कार्ड वाले को प्राथमिकता दी जा रही है, तो फिर उसके बाद अगर हम लोग का राशन कार्ड नहीं है तो फिर लगेगा, तो फिर मैं लगाऊंगी, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे को थोड़ा अपना प्रॉब्लम है तो फिर मैं अभी नहीं लगा रही। अच्छा आप कहाँ से आ रही, क्या नाम है? संतोषी साहू। क्या करती हैं आप? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अच्छा तो कैसे जो है गाँव में जाके क्या बता रही हैं आप? टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हो रहे हैं कुछ लोग जो पढ़े लिखे वो लगवाने के लिए इच्छुक है और अनपढ़ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं। और संक्रमण से कैसे बचे लोग जो है सुरक्षित हैं, अपना देखभाल कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं लॉकडाउन का? जी सर। अच्छा तो आपने टीका लगवाया कि नहीं? जी लोगों को बताती हैं कि मैं टीका लगाने के बाद सुरक्षित हूँ? हाँ मैं बोलती हूँ सर नहीं लगाएंगे बोलते हैं तो छोटी में सबसे पहले मैं लगाई हूँ, अगर मरना होता तो मैं पहले मरती ऐसे करके वैसी बोली हुई है, यानी कि छोटी में सबसे पहले मैं ही लगवाई हूँ टीका। तो ये देखिए कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, वो तो टीका लगवा चुके हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं लेकिन फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप क्या हैं, आप इसी गांव के? जी सर मैं रोजगार सहायक हूँ। क्या है आपके गांव में हाल क्या है? हमारे गांव में ठीक है सर, प्रचार प्रेरित कर रहे हैं लोगों को टीकाकरण के लिए। हाँ घर घर जाके हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, मितानी लोग भी घर घर जाके उनका
रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि टीकाकरण लगाओ, अच्छी चीज़ है, टीकाकरण से ही लोगों का बचाव हो सकता है, तो लोग प्रेरित हो रहे हैं, इच्छुक जाहिर कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाचार टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, उन लोग सहस्र मतलब टीकाकरण के लिए भी मतलब आगे आने की इच्छुक जता रहे हैं। और मुरमुंदा में शिविर लगा है, बगल के गांव जाक वहां कुछ लोग लगा रहे हैं टीका। वहां पे शिविर अभी चल रहा है कि बंद है? चल रहा है सर शिविर वहां मुरमुंदा में। ठीक, मैंने भी टीका लगा लिया, 2 टीका मैं भी लगा चुका हूँ जी सर। जी ये बताइए कि अभी अछोटी में क्या हाल है, लोग कितने जो है सुरक्षित हैं, गांव कितना सुरक्षित है? नहीं, अभी हमारे गांव में तो कोविड में पहले थे 15-20 पेशेंट, अभी लगभग 81 पेशेंट हैं जिनको कोविड है और वो घर में हैं, सुरक्षित हैं। और 4-5 दिन पहले उनका टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट आया था, बाकी बढ़िया है गांव में, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और गाँव मतानीन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाके सर्वे भी किया जा रहा है, और सर्वे में जिसको लगता है कि सर्दी खांसी है उनका टेस्ट भी होता है। कितने तारीख को यहाँ हुआ था? अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले यहाँ कोविड चेकिंग हुआ था, 25 में 1 पॉजिटिव आया था। अच्छा। तो यहाँ उस हिसाब से बहुत सही है, सुरक्षित हैं लोग। और आप इस लॉकडाउन में कैसे रहे? इस लॉकडाउन में तो घर से कम निकले, लेकिन क्या है हमारे बीच के कोई पेशेंट है, उनको हॉस्पिटलाइज करना है, उनको ये करना है, तो उनके लिए हमको थोड़ा बहुत तो जाना पड़ा, कहीं सब्जी भाजी के वितरण करने हैं, किसी घर में कोविड है अब उसके यहाँ कोई सामान ले जाने वाला नहीं है, तो वहाँ तो जाना ही पड़ता है ना। कितनी मौतें हुई गांव में? गांव में लगभग वैसे कोविड में 1 ही मौत, 2 मौत हुए हैं, बाकी तो उम्रदराज थे, बबाकी हुए 8-10 हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ उम्रदराज हैं, मेरे ही पिताजी थे, उसकी उम्र 80 साल की था और सेफ्टी से फिसल गए थे वो, और उसको क्या हॉस्पिटल में कहीं इलाज ही नहीं मिल पाया। लोग डरे हुए भी हैं क्या? नहीं, डर तो है, डर का माहौल तो रहेगा, और क्या थोड़ा सा ये है डर टीकाकरण का ज़्यादा है। टीकाकरण में क्या है, लोग उनको दहशत करवा रहे हैं, मतलब क्या जैसा होना चाहिए कि टीकाकरण से किसी को कोविड हो ये नहीं है, लेकिन क्या है जो माहौल है, लोग ये बोल देते हैं कि टीकाकरण के कारण होता है। मैंने 2 टीकाकरण करवाया, मेरे को तो पिछले मार्च में 1 टीकाकरण हुआ, अभी 13 तारीख की और हुआ, लेकिन मेरे को अभी तक पिछले में भी और अभी भी बुखार नहीं आया। हम थोड़ा सावधानी रखें, टीकाकरण लगने के तुरंत बाद हम घूमना फिरना जो चालू कर देते हैं क्या है, और लोगों के नज़दीक आते हैं तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी क्या जैसे हुआ तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाके चेकअप कराए, चेकअप करा के दवाई खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग क्या वहाँ जाना नहीं चाहते। अच्छा, आप बताइए आप टीका लगाएं कि नहीं लगाएं? हाँ भाई, एक डोज लग गया सर मेरा। लग गया है जी। अच्छा, घर वाले? घर वाले लोग लगा लिए जी। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो 18 से 45 वो बच्चा है, आज एक भतीजा लगा के आया मेरा टीका आज मुमदा से जी। डर लगता है क्या? है डर लगता है? मेरे को डर नहीं लगा सर, नहीं लगा। बाकी लोग क्यों डरे? अब क्या पता महोदय जी क्यों डरे, क्या हुआ, ये भय है, भय फैल चुका है, मगर भय से ही भूत होता है, भय नाम भूत होता है, यही भय अगर त्याग दे आदमी तभी मतलब वो रहेगा अच्छा। और गांव में बड़ा देख रहे हैं सन्नाटा है, लोग घरों में सब घर में अपने अपने इस्तेमाल कर रहे हैं ना समय का, सब पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, जो जैसा शासन का निर्देश है उसके हिसाब से पूरा सदुपयोग में लगे, बाहर नहीं निकलते, नहीं निकलते बाहर, सब शांति जी जी जी। आसपास बड़े फैल गया लेकिन संक्रमण तो यहाँ कम है सर, छोटी में कम है जी, कम, बहुत कम। आने जाने वालों का रोक है जी है। कोई बाहर नहीं आता सर यहाँ। तो अछोटी गांव से आपको दिखा रहे हैं कोरोना संक्रमण का हाल क्या है गांव में, गांव में संक्रमण को फैलने से किस तरीके से रोका गया है, और गांव के लोगों से बातचीत करके वो जान भी रहे हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। अभी आपके गांव में क्या है, कैसे बचे संक्रमण से? हमारे गांव अछोटी में तो अभी कोरोना का संक्रमण उतना नहीं है, और आदमी अपने सावधानी मास्क लगाकर और सैनिटाइजर करके अपने सुरक्षित स्थानों पे और जो कलेक्टर का आदेश है समय पाबंदी पे उसको ध्यान रखते हुए अपना देख रेख कर रहे हैं। और टीका लगवाए कि नहीं? टीका अभी नहीं लगा है, बहुत आदमी का लाइन में है, जैसा उसका नंबर आएगा उसके आधार पे टीकाकरण होगा। तो ये एक गाँव है छोटी गाँव, और इस वक्त हम लोग जो है शासकीय उचित मूल्य दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। तो आपके यहाँ क्या है, राशन की व्यवस्था कैसी है?
राशन के स्तर पर बहुत बढ़िया है, अभी 2 महीने का आवंटन हुआ है और अभी सुचारू से जारी है, कुछ कुछ ईदगाहें बची हुई है अभी भी और बाकी सब मिल गया राशन जी। अच्छा, और टीकाकरण को लेकर के क्या है, लोग कितने जागरूक हैं? यहाँ तो बढ़िया, बहुत अच्छे जागरूक है सर, एक और एक लगा, एक एक टीका हो गया लगभग बहुत से, कुछ बचे, कुछ लोग डरे हुए भी हैं जी, डरे हुए हैं सर। क्या है वो डरे, मतलब ये है कि टीका लगाने से तबीयत खराब हो जा रहा है, जान चली जा रही है, ऐसे ढंग से मतलब था, और कोई कोई भी मतलब अभी ऐसा टीकाकरण लगने से नहीं हुआ है, उन अस्वस्थ थे जितने भी, जैसे अभी वो हुए हैं ना, जो अस्वस्थ के चलते टीका लगने से वो उनकी जान चली गई है ऐसा है, लेकिन वो मतलब आदमी उसी को थोड़ा मतलब भाई भी समझे। अच्छा, आप टीका लगाए कि नहीं भैया? नहीं, काहे नहीं लगाए? हम दोनों एक साथ के। अच्छा, तो आप लगाए काहे नहीं? अभी उम्र नहीं हुए हैं। अरे 18 से ऊपर वाले लगाने हैं? आप लगवाए कि नहीं टीका? हम तब हम बचे उम्र, लगाबो कहा, 18 से ऊपर वाले लगा थे, लगाबो ना ठोकन तो दम धरा, टीका लगाबो, जुम्मेदारी लू टीका लगाबो, टीका का जुम्मेदारी लेना है, कुछ कहीं यदि बीमार में पड़बो तो लेबो ना, चल ठीक है तो हम लगाबो, हम बीमार उमार नहीं पड़ना, टीका नहीं पड़े, बीमार पड़े कौन कहे, चल गारंटी लेवा था, गारंटी लू तो हम काली टीका लगाबो, पूरा गारंटी है। हाँ चल ठीक है, फुल गारंटी दे एकदम पूरा, सरकार गारंटी देती तब मनखे का मरतीस, हमारे मन कैसे नहीं मर है, अभी हमारे गाँव मरीज बेचारा टीका लगा कैसे, पहले बीमार रही तो कैसे बीमार नहीं रही, सिवा टीका लगाए के बाद मर गए। हाँ टीका लगाए के बाद मरीज सिवा, पोखरे पर नहीं लगा था, काबल लगाबो, अत्ते जन शरीर ला दे टीका लगा थोड़ी दे मर जब होता, टीका लगाए सब ठीक कौन है, अभी हमारे गाँव चालू नहीं हुआ टीका लगाए, बिचारा मानते सियान आदमी मन ढनगत जाते, कोनो 2 साल जीती तो 1 साल जीती ते मन हले बता दो, कोरोना ले मर जही, कोरोना मर जब मरी जब टीका नहीं लगा, नहीं लगा मन नहीं लगा, जिम्मेदारी दू तुमन दू को ना, तुमन जिम्मेदारी ले लो ठीक है, हाँ जिम्मेदारी ले थन रिक्शा ले थन इसी के रिक्शा लू ना तो हम जरूर लगाबो, पूरा रिस्क सरकार ले के रखे है, सरकार बताते थे समझाते थे, पंचायत में आज बैठक घलो को थे, कार्यकर्ता सहायक 2 जन लगे टीका ठीक है, 2 जन लगे टीका ठीक है ना उमन, ठीक 1 जन ठीक है, तब वो हाथ को अल्लाह लगते का थे, 1 जन 2-3 रुक ना भैया 3 सूजी हो गया, वो बाहर से लगवा तो टीका लगे के बाद में ठीक है, मस्तक का पूरा लिखला टैसे लगा थी भाई, टीका लगा के बाद में थोड़ा दिन लगते 1-2 दिन, 1-2 दिन 2 महीना हो गया टीका लगे, अब कैसे 1-2 दिन की थी, चल बता नहीं लगवा लगवाबो टीका नहीं लगा नहीं कहा था, वही कहा था हाथ पैर सब सही साथ रखा है, ओकर बाद में टीका लगाबो, चल हाँ राजी आओ, जरा जय पूछो कैसे टीका लगाए कि नहीं, तुमन टीका लगवाए कि नहीं, ठीक है स्वस्थ है, तो एक दो दिन तबियत खराब था उसके बाद स्वस्थ, 2 टीका लग गया मेरा, दीदी समझाना है टीका लगवाए से जेने डरा तो नहीं, नहीं मैं 2 टीका लग गया, मैं कुछ नहीं हुआ मुझे अभी, सब एकदम बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया स्वस्थ है, डबल टीका लग गया, आप लगाए कि नहीं, एक टीका लगा हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में इधर क्या है संक्रमण का हाल सर, तो एक टीका बोलते हो, एक टीका में मेरा भाई चला गया, पूछो ना, पहले टीका लगा लिया, जो लगाने वाला जो मैडम रहते हैं ना उन लोग चेक वेक नहीं करते, नहीं करते हैं, यही मुरमुंदम लगाए ना भैया है, अच्छा मुरमुंदा बताया नहीं कि बीपी शुगर क्या है, कुछ नहीं पूछे, लगा दिए, इंजेक्शन खत्म ही हो गया कोरोना में, उसी चक्कर में अभी घूम रहा हूँ मैं, उसकी खेती बाड़ी क्या है कैसा करके, ये तो स्थिति है, जो मैडम बैठते हैं आते हैं टीका लगाने वाले उसको पूरा चेक करना चाहिए ना भाई, नहीं कर रहे हैं, हाँ कहाँ चेक किए, पहले टीका में तो कुछ किए ही नहीं है, तो ये लोग हैं जो कि कुछ लोग जो हैं जो कि जागरूक हैं वो टीका लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं, उनको डर इस बात का है कि अगर टीका लगाने के बाद बीमार पड़े तो फिर क्या होगा, क्योंकि लोगों की ये भी शिकायत है कि वो अगर केंद्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे पहले चेक नहीं किया जा रहा है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर बीमारी है तो किस तरह की बीमारी है, क्या उस बीमारी के अंतर्गत टीका लगाना है या नहीं, तो हम यही सब जो है लोगों से जान रहे हैं कि क्या है हाल, और अछोटी में आप देखिए कि लोग किस तरीके से संक्रमण फैलने से तो रुक गया है यहाँ पर, लेकिन टीकाकरण को लेकर के एक भय है, और इस भय को जो है कम करना दूर करना एक बड़ी जिम्मेदारी जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका है, लोगों का है। कैसे दाई, क्या हाल है कोरोना की यहाँ? क्या हाल है? हाँ कोरोना कैसे बांच के हैं वो? सूजी लगवा है ना, हम तो लगवाए सूजी, ठीक है बढ़िया है चंगा, अभी बने हैं रे भैया, तबीयत खराब हो गई, लगा एक दो दिन रही थे
एक दो दिन नहीं, एक हफ्ता ज्यादा रही से। एक हफ्ता ज्यादा रही से। अब बढ़िया है ना, कोरोना ले बचना है तो सूजी लगाना है। हां, लोगों ने समझाना है। कैसे था इतना लगवाए? लगाना नहीं सूजी, हम एक महीना सूते रहे हैं। एक महीना ले? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक नहीं है? ठीक का है, रंग बरंग गोल हो गए, करुक करुक मुँह खान नहीं भाई, उल्टी हो जाबा। हाँ अच्छा, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए तुमन जानो, आते हैं हमन का जानबो, हमन तो बता हमन तो लगा दे रहे हैं, घाव का लगाबो आप? लगाबे नहीं, नहीं राशन देश के नहीं दे देते का काम के पर चावल भर रखा दे का चावल खबर रखा जीवे चावल बस मनी बने बात हैं सब चीज दे नान के घर में मराब कैसे हम मत है लगाए टीका हां सब लगा ठीक है बढ़िया है हां अच्छा लगा थे हां और चावल मिले कि नहीं मिल गए चावल मिल गए अब कोरोना ले किसे बचा के रखे चावल तो ढाको देखो ला छाते ला ला तो गांव के लोग जो है बड़े जो है डरे हुए भी हैं और थोड़ा सा जो है एक झिझक है, आक्रोश है कि भाई टीका लगाने के बाद कुछ लोग उनके जो है बीमार हो रहे हैं, वो कैसे जो है उनको बचे। असल में एक दो चीज़ें जो इस पूरे लोगों से बातचीत के दौरान जो चीज़ें निकल कर सामने आई, अछोटी गांव में जो देखा हमने यहाँ पर अछोटी का हाल, तो लोगों में जानकारी का भी एक अभाव है, जागरूकता की कमी है, प्रॉपर जानकारी गांव के लोगों को नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वो अपने भय को कम कर सके और इस कोरोना संक्रमण में जो परिस्थिति है स्थिति है उसको समझ सके। तो ये सबसे ज़रूरी है कि गांव के लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए, ख़ास तौर पे टीकाकरण को लेकर के। संक्रमण का फैलाव को रोकने में अछोटी के गाँव वाले कामयाब रहे हैं, लेकिन 100% टीकाकरण को लेकर के गाँव के लोग अभी भी भयभीत है। तो आज हमने जाना अछोटी से क्या है गांव का हाल। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।